आज हम बात करेंगे सीरियल गुड्डन की। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अंतरा की सरगत का पता सभी घर वालों को चल जाता है कि इसने होंडा यानी अच्छत को जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन अंतरा को नहीं मालूम कि होंडा अभी भी जिंदा है। गुड्डन अच्छत को उस आइस बॉक्स में से निकाल लेती है अंतरा के आने से पहले। अंतरा जब वहाँ आती है तो उसका ताला टूटा हुआ दिखाई देता है, तो वह दूसरा ताला उसमें लगा जाती है। फिर गुड्डन जब ये देखती है तो वह फिर परेशान हो जाती है। वह उस ताले को खोलने का प्रयास करती है लेकिन उसके बूते वह नहीं खुलता है। एजे चाबी वाले को भी बुलाता है, वह भी उस ताले की चाबी बनाने से मना कर जाता है। उधर अंतरा कागज़ लेकर आने वाली होती है, तभी लक्ष्मी बहू उससे टकरा जाती है। उसके बैग में से चाबी गिर जाती है और लक्ष्मी बहू उस चाबी को अपनी चाबी से बदल देती है। और उधर रहा बचा काम गुड्डन आइस बॉक्स बदल कर कर देती है। जब अंतरा उस स्टोर रूम में आती है, जब अंतरा उस आइस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें उसे होंडा की बॉडी रखी दिखाई देती है। जब से अंतरा के हाथ में डील वाले पेपर्स आए हैं तब से अंतरा की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसे नहीं मालूम कि वे पेपर तो लोकल हैं, ओरिजिनल पेपर तो गुड्डन के पास हैं। उधर गुड्डन एक और प्लान बना रही होती है, भूत वाला प्लान। वह अच्छत से कहती है कि तुम्हें ही ये सब काम करना है, तुम्हें ही भूत बनना है, तुम्हें ही अच्छत बनना है। जब अंतरा रात को सो रही होती है तभी उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह अच्छत को जगाने की कोशिश भी करती है लेकिन अच्छत जागता नहीं है। वह देखती है कि तनवेश होंडा आंगने में पड़ा है। जब उसकी आँखें ये सब नज़ारा देखती हैं तो वह बहुत डर जाती है। जब उसकी आँखें दूसरी तरफ जाती हैं तो वह उसे ऊपर खड़ा देखती है। अंतरा अपने भ्रम को दूर करने के लिए आइस बॉक्स में होंडा को देखने जाती है तो उसे वह आइस बॉक्स में रखा हुआ दिखाई देता है। तब अंतरा का कहीं भ्रम दूर होता है। जब वह फिर से होंडा को अपने सामने खड़ा देखती है तो वह पिस्तौल अपने हाथ में ले लेती है और होंडा पर चलाकर वह इस भ्रम को दूर करना चाहती है। क्या अंतरा हकीकत में उस पर गोली चला देगी या फिर नहीं? इससे जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।